डूड हो या पानी, आई लव प्लास्टिक। टॉयलेट्रीज हो या ऑयल का डब्बा, आई लव प्लास्टिक। गाड़ी का इंटीरियर हो या आपका एक्सटीरियर, आई लव प्लास्टिक। हाथ में प्लेट हो और बिस्तर पे लेट हो, आई लव प्लास्टिक। कॉन्डम का रैपर हो या पैड का फ्लैपर हो, आई लव प्लास्टिक। घर का कोई टूल हो या बैठने का स्टूल हो, सब चाइना है। बॉडी का शेप हो या स्कॉच का टेप हो, बॉल का पेन हो या क्रीम वाला टैन हो, पोर्टेबल टॉयलेट हो और उसमें लोटा, आई लव प्लास्टिक। स्लीपिंग बैग हो या गले का टैग हो, स्टेशनरी का शार्पनर हो या ब्यूटी का एक्सटेंशन, बच्चों का गेम हो या चश्मे का फ्रेम हो, पतलून की जिप हो या स्पेस का रॉकेट हो, सिगरेट का लाइटर हो या इंसेक्टिक्यूटर हो, सेल का फोन हो या क्रेडिट वाला कार्ड हो, जहाज का फेस हो या जूते की लेस हो, भाई आई लव प्लास्टिक। आई लव प्लास्टिक, आई लव प्लास्टिक। अरे भाई क्या, आई लव प्लास्टिक, आई लव प्लास्टिक। हाँ, नहीं गुजर सकती फॉसिल फ्यूल, गैस एमिशन और इन सारी चीज़ों के बगैर मेरी ज़िंदगी, अब नामुमकिन है। हाँ, प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक। और कोविड के बाद तो हमने कमाल कर दिया। जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो दुनिया की हिस्ट्री में इतनी पोल्यूशन नहीं थी जितनी कि आज है। ना तो ये गयान है, ना ही दुकान है, बस मेरे कन्फ्यूजन का बयान है। क्या आपका ध्यान है? Yes! हाँ, क्या करें क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। किस तरह इस पोल्यूशन से होने वाली वार्मिंग को हम और आप समझें, किस तरह। फ्रूट वाला है कि 4 मुख्तलिफ फ्रूट 500 थैलियों में तोल तोल के दे रहा है। अब ये सारा प्लास्टिक जाएगा कहाँ, ना हम सोच रहे हैं ना वो, बस जिंदगी है गुजरे चली जा रही है। और इन सारे चियापों में प्लैनेट अर्थ की फट गई, नहीं फट रही तो बस हमारी नहीं फट। राइट भाई, दुनिया में कहीं चले जाओ एक डस्टबिन नहीं होता। जी एक नहीं होता, तीन तीन होते। अब आप सोच रहे होंगे ये तीन तीन डस्टबिन की क्या कहानी, मैं भी सोचता रहा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या कहानी। फिर बड़ी मुश्किल से समझ में आया कि एक होता है कागज का, गत्तों का और इस तरह के साफ पेपर का, दूसरा होता है कांच का और तीसरा होता है दीगर कचरा जात का। मुझे तो यहाँ अक्सर एक नहीं मिल रहा होता, ढूंढने से नहीं मिलता। ये तीन इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ चीजें होती जो कि रिसाइकल हो सकती हैं, यानी कि कागज, प्लास्टिक, ग्लास, लेकिन शर्त यह है कि वो साफ सुथरा हो, उसमें आमों की गुठलियां, सालन और बिरयानी मिलावा ना हो, जब ही वो दोबारा घूम फिर के साफ सुथरा होकर रिसाइकल हो सकता है। इसलिए तीन होते हैं। और ये जिम्मेदारी जो है कचरा फेंकने वाले की होती है कि साफ कागज अपने बिन में जाए, कांच अपने बिन में और दीगर कचरा जात अपने बिन में। आए, लेकिन दुनिया क्या जाने हमारी टेक्नोलॉजी, वी आर वे अहेड। इनफैक्ट वी हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड दिस हाईटेक सिस्टम कॉल्ड UDND। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने सिस्टम के बारे में ना सुन। क्या यू हैवंट हर्ड अबाउट इट? नो। अच्छा, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कि हमारा जो कचरा डिस्पोज करने का सिस्टम है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। यूडी यानी के उछाल दो और उसके फौरन बाद JD यानी के फिर जला दो। चाहे कचरे के थैले हो और उसमें कुछ भी हो, बस उछाल दो। प्लास्टिक का रैपर हो या पान की पीक हो, बस उछाल दो। चिप्स का पैकेट हो या उसमें मौजूद सीक्रेट वेपन हो, बस उछाल दो। फिर शाम में एक बच्चा आएगा, उस कचरे के थैले को खोलेगा और उसमें मौजूद पॉपुलेशन कंट्रोल और फर्टिलिटी रेट के सामान को सड़क पे बिछा देगा और अपने मर्जी के आइटम उठाएगा और निकल जाएगा। वाह, दादा ने भी ये सिस्टम अपनाया और उनके बेटे के बेटे के बेटे ने भी ये सारा सिस्टम अपना लिया और ये हमारा खानदानी प्राइड बन गया। सुवान, बस उछाल दो और उछाले जा रहे हैं। तो मैं क्या करूं भाई, ये कहानी मुझे क्यों सुना रहे हो, कचरे बचरे की क्या लंबाई है यार, स्किप करो आगे निकलो मुद्दे पे आओ। तो मुद्दा ये है भाई कि हमारे दिमागों में 0/0 छा चुका है, एहसास नाम की कोई चीज नहीं है सफाई से रिलेटेड। और हम इतना आगे निकल चुके हैं कि हमारे कचरा करने की और उसको जलाने की इस जिद्दोजहद की वजह से हमारे प्लैनेट अर्थ की जो फट रही है वो हमारी तरफ से एक एक्सीलेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन ऐसी क्या प्रॉब्लम है इस प्लास्टिक से, क्या ऐसा क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उस प्लैनेट के साथ? तो भाई मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ही कम प्लास्टिक ऐसा होता है जो साफ सुथरे तरीके से रिसाइकल हो पाता है। बाकी प्लास्टिक कहाँ जाता है? लैंडफिल में, यानी कि खड्डा खोदो और गाड़ दो। जो बाकी बचता है वो समंदर में फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से जो समंदर में रहने वाली मरीन लाइफ है या तो उसे निगल लेती है या उसमें लिपट के मर जाती है। ये है प्लास्टिक। तो गेम क्या है? गेम अब सिर्फ है एहसास का। जी एहसास का, लेकिन मैं इतना कंफ्यूज हूँ कि मैं करूँ कैसे इंप्लीमेंट ये सब कुछ, क्योंकि मैं अगर कुछ ऑनलाइन भी मंगा रहा हूँ तो वो इतने प्लास्टिक में लिपटा हुआ आ रहा है कि मैं उसे देख के डिप्रेशन में चला जाता हूँ कि ये प्लास्टिक जाएगा कहाँ।
अब इससे कितनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है उसकी तो एक लंबी लिस्ट है। गूगल करें, प्लीज करें, जरूर करें ताकि हमको एहसास हो। और कम से कम अगर समंदर पे जाएं तो वहां कचरा ना उछाले, क्योंकि ऑलरेडी समंदर में बहुत कचरा उछाल दिया गया है। और अब तो नौबत यहां तक आ चुकी है कि माँ के दूध में भी माइक्रोप्लास्टिक पाया जाता है। अब बात यहां तक पहुंच चुकी है कि हमारे बच्चों की खुराक का मामला है। जी, आई लव प्लास्टिक। अच्छा, तो फिर सोल्यूशन क्या है? मेरे लिए तो ये बहुत उलझा देने वाला टॉपिक है कि हम करें तो करें क्या। तो मेरा ख्याल है कि बजाय एक दूसरे का इंतजार करने के या एक दूसरे पर टोपी घुमाने के बजाय, कम से कम ये जो सिंगल यूज वाला प्लास्टिक, यानी कि जो एक बार इस्तेमाल करके थैली हम उछालते हैं, उससे ही गुरेज करें, उसको ही कम से कम इस्तेमाल करें, उसको ही डिस्करेज करें, शायद कुछ फर्क पड़ जाए। ओके। कपड़े का थैला, हाँ कपड़े का थैला हम शॉपिंग पे लेके जा सकते हैं, बल्कि बैकपैक लेके जा सकते हैं, या कम से कम हम ये भी तो कर सकते हैं कि साल में एक या दो दफा ही सही सस्टेनेबल फैशन के नाम पर लुंडे से इस्तेमाल शुदा कपड़े पहनना शुरू कर दें। इतनी कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, ये 500 रुपए की जैकेट है, नो प्रॉब्लम। दीगर रिसोर्सेस, वो क्या होती है? पानी, बिजली, गैस और तमाम रिसोर्सेस को आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, हल्के हाथ से इस्तेमाल करें। गाड़ियों से खा खा कर चीजें ना उछालें। जिस तरह हम अपना घर साफ रखते हैं, शायद कोशिश करें तो हम सड़कों को भी अपना घर समझें, इस मुल्क को भी अपना घर समझें, इस दुनिया को अपना घर समझें। बस मैं और आप, जी मैं और आप, अगर आहिस्ता आहिस्ता जेनरेशंस में बसे हुए कचरा फैलाने की इस लानत को और रिसोर्सेस के बेजा इस्तेमाल करने की और वाट लगाने की आदत को मौत के घाट उतार दें, तो फिर मैं ये कहूँगा कि ओके की रिपोर्ट है। वरना हम तो होंगे नहीं, लेकिन ये प्लास्टिक जरूर होगा डूड। परेशान है भाई का तो बस ये अपना बयान है। आज ठोक दूंगा डूड, आज बोल दूंगा डूड, उल्टी कर दूंगा डूड, फाड़ फोड़ दूंगा जानी। राजा का डूड हैगा पानी का पानी, डूड का डूड हैगा पानी का पानी। आपकी जात का दलिया हमारी अवलीन तरजीह है, मेटल का चपटा हिस्सा चढ़ा के पेटी कसलो भेड़।